कोरोना वायरस के कारण जापान तट पर खड़े क्रूज शिप से 119 भारतीयों समेत 5 विदेशी नागरिकों को एयरलिफ्ट किया गया। एयर इंडिया के विशेष विमान से सभी नागरिक गुरुवार सुबह नई दिल्ली पहुंचे। जापान से भारतीय नागरिकों के अलावा श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू के नागरिकों को भी लाया गया है। डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप से भारतीयों को निकालने में मदद के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापानी अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, टोक्यो से एयर इंडिया की फ्लाइट 119 भारतीयों और एक श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू के 5 नागरिकों को लेकर अभी अभी दिल्ली उतरी है। ये सभी COVID-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से डायमंड प्रिंसेस पर अलग थलग रखे गए थे। जापानी अधिकारियों के सहयोग काबिले तारीफ है। एयर इंडिया को एक बार फिर धन्यवाद। दूसरी तरफ चीन के वुहान से इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान 36 विदेशियों समेत 112 भारतीय नागरिकों को लेकर सुबह 7:15 दिल्ली पहुंचा। सभी लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद दिल्ली के छावला में ITBP संगरोध सुविधा में ले जाया गया। वुहान से लौटने वाले नागरिकों में बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और मेडागास्कर के नागरिक शामिल थे। इससे पहले ये विमान कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन के वुहान शहर के लिए भारत से 15 टन जरूरी चिकित्सकीय सामग्री लेकर पहुंचा था। जापान के तट पर खड़े क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेस पर कुल 3,711 लोग सवार थे। इन सभी लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका की वजह से 5 फरवरी से अलग थलग रखा गया था। शिप पर मौजूद 138 भारतीयों में से 132 चालक दल के सदस्य और 6 यात्री शामिल थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बाकी बचे भारतीयों का जापान में ही इलाज चल रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से 37 देशों में 80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसकी वजह से अब तक 2,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस महीने की शुरुआत में ही भारत ने चीनी प्रांत हुबई की राजधानी वुहान से 640 नागरिकों को निकाला था।